हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। पिछले हफ्ते WHO ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा था COVID-19 को लेके। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में WHO ने ये बताया कि जब से COVID-19 शुरू हुआ था तब से लेके September 2022 तक, इस महीने September 2022 में सबसे कम लोग इन्फेक्टेड हुए हैं। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ डेटा भी शेयर करा March 2020 से लेके September 2022 तक, और कितने लोग उसमें मरे हैं, इन्फेक्टेड हुए हैं, कितने लोग वैक्सीनेटेड हुए हैं, वो सारी बातें उन्होंने बताया। और एक हिंट भी उन्होंने दिया है कि क्या कोविड हमेशा के लिए अभी ख़त्म होने वाला है, ये इंडिकेशन दिया है उन्होंने। क्योंकि जो अब तक का सबसे कम इन्फेक्शन इसी महीने रिकॉर्ड किया गया है, ग्रेजुअली ऐसे बढ़ता है घटता है, लेकिन इस महीने सबसे कम रिकॉर्ड किया गया है। तो उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए कि जब कोई रन रेस होता है तो जब तक वो फिनिशिंग लाइन क्रॉस नहीं होता है तब तक वो रेस कंप्लीट नहीं होता है, और विनर कौन है ये डिक्लेयर नहीं किया जाता है। तो उसी तरह से कोविड भी इसी रेस की तरह है, अब हम उस फिनिशिंग लाइन के करीब हैं। तो जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, चाहे वो वैक्सीन को लेके हो, टेस्टिंग को लेके हो, वो सारे कंटिन्यू करने चाहिए। ये सारे बहुत सारी बातें उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। लेकिन उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये लगता है कि COVID-19 ऑलमोस्ट अभी ख़त्म होने वाला है, बस हम सब लोगों को थोड़ा और अवेयर होना चाहिए और जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स है उसे पालन करने चाहिए। मार्च 2020 जो महीना था और साल था वो आप सब लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा। मैं ये श्योरिटी से बता सकता हूँ कि जो ये वीडियो देख रहे होंगे उसमें से 50% लोगों को मार्च 2020 अच्छे से याद होगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया में पहली बार जब फ्लाइट सस्पेंड हुआ था COVID-19 से, तो वो था मार्च 15, 2020। मैं भी उस समय ट्रेवल कर रहा था, इंडिया में था, 13 मार्च को मैं ट्रेवल कर रहा था, लेकिन एयरपोर्ट में बहुत सारे इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन थे एयरलाइंस वालों को और भी ग्राउंड स्टाफ को, तो फ्लाइट सारे कैंसिल हो गए और मैं भी नहीं आ पाया। ओके, आप में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका इकामा एक्सपायर होने वाला होगा, एग्जिट री एंट्री वीज़ा एक्सपायर होने वाले होंगे। तो जो लोग ट्रैवल कर रहे थे उन लोगों को ये कोविड बहुत ही अच्छी तरीके से याद होगा। अगर आप कोविड का जो प्रॉब्लम्स देखेंगे, जो ट्रैवल करते समय जितने प्रॉब्लम्स हुए लोगों को मार्च 15 तारीख से लेके September 15 तारीख तक, तो एक मूवी जैसा लगता है। क्योंकि जब मार्च 15 तारीख 2020 को सऊदी ने अपना एयरलाइंस बंद करा था, जितने भी एयरलाइंस है वो इन एंड आउट सारे बंद कर दिए थे, तो उन्होंने ये बताया था कि एक हफ्ते के लिए हम बंद कर रहे हैं। लेकिन वो एक हफ्ता बढ़ता गया और मार्च से लेके सेप्टेम्बर तक कंटिन्यू हुआ। September 15 तारीख को कुछ 4 या 5 दिन के लिए सारे कंट्रीज़ के जो एंट्री और एग्जिट खुल गया था, लेकिन फिर 5 दिन बाद 22 या 23 सितंबर को 2020 को फिर से बंद कर दिया सऊदी ने। कुछ 6-7 कंट्रीज़ थे जिसमें इंडिया भी एक था। अब इसके बाद एक नया स्टोरी शुरू हुआ कि अब सऊदी जाए तो कैसे जाए। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए कि 14 दिन हम किसी और कंट्री में रुकेंगे, इसके बाद जाएंगे। शुरुआत हुआ दुबई से, लोग दुबई जाते थे, वहाँ पे 15 दिन रुकते थे, फिर सऊदी अरेबिया आते थे। वो जो दिन था 2020 का अक्टूबर महीना और सितंबर के लास्ट और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन था उन लोगों के लिए जो इंडिया गए हुए थे छुट्टी में और वापस आना चाहते थे। मैं भी आप लोगों की तरह एक था जो इंडिया में था और अक्टूबर में सऊदी अरेबिया आया वाया दुबई होके। तो मैंने एक बहुत सारे फेजेस देखे हैं और बहुत सारी चीज़ों को फील कर सकता हूं अभी भी कि क्या डिफ़िकल्टीज थे उस समय। हर दिन एक ऐसा डर के साथ हम उठते थे कि अभी कोई नया गाइडलाइन आ जाएगा तो क्या पता हम दुबई से वापस, हमें इंडिया वापस जाना पड़ेगा, या क्या होने वाला है किसी को कुछ पता नहीं था। ये भी सियोरिटी नहीं था कि क्या 15 दिन बाद हमें सऊदी जाने दिया जाएगा या नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये बोलिए कि इन्फॉर्मेशन बहुत ही लिमिटेड था और क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं था। फिर आगे चल के लोग दुबई से जाना चालू किए, तो फिर दुबई में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, फिर लोग अपने अपने अलग अलग कंट्री से जाने लगे। ट्रैवल एजेंसी वाले
जहाँ 50,000 का पैकेज होता था 1 लाख हुआ, 1 लाख से 1.5 लाख हुआ, 1.5 लाख से 2 लाख हुआ, 2.5 लाख हुआ, 3 लाख तक पैकेजेस ले लेके लोग आए। इतना महंगा पैकेज हो गया था कि उस समय अगर लगता था अगर 1.5 लाख से 2 लाख का भी मिल रहा है तो बहुत सस्ता है, इतना महंगा हो गया था। और जो फैमिलीज के साथ आ रहे हैं उनका आप समझ सकते हैं कितना पैसा खर्च हुआ होगा। मालदीव से आ रहे हैं, मालदीव में 70-80 हज़ार तो 15 दिन का होटल का रुकने का था। फिर लोग नेपाल के थ्रू आना शुरू हुआ, लेकिन हम लोग ही प्रॉब्लम को इनवाइट करते हैं, वहाँ में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ जिसके वजह से वो भी बंद कर दिया गया। कुछ लोग नियम को तोड़ के आने लगे, ओके, तो इसके वजह से फिर नया नियम कानून बन लागू हुआ। नेपाल में बहुत सारे लोग फंस गए, फिर वहाँ से लोग निकले दूसरे कंट्री के, दूसरे से तीसरे, फिर सऊदी अरेबिया आए। तो वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज था जो कोविड-19 का, और आप सब लोगों को याद होगा। मैक्सिमम लोग जो मेरे वीडियो देख रहे होंगे आप लोग उसी समय से कनेक्टेड होंगे जिस समय ये सारे जो अनवांटेड सिनेरियो चल रहा था। कोविड-19 हम सब लोगों को बहुत सारे चीज़ें सिखाएं। कई लोग तो ऐसे भी होंगे जिनको ईमेल करना नहीं आता होगा, वो ईमेल करना सीख गया कोविड के वजह से। ऐसे भी होंगे लोग, अगर आप उनमें से लोग हैं तो ज़रूर बताइए कमेंट में लिख के। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपने आप टिकट बुक करना नहीं आता था तो उन्होंने टिकट बुक करना सीखा। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो दूसरों पे डिपेंडेंट थे एजेंसी के, लेकिन उन्होंने अपने से सारा काम करना सीखा। बहुत सारे चीज़ सिखाए हैं कोविड ने। तो ये सारी चीज़ें अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने लगूँ तो वो 1 साल 1.5 साल का जो कहानी है वो अप्स एंड डाउन्स ऑफ कोविड उसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन आज के वीडियो में बस इतना ही आप लोगों को बताना था कि जो कोविड-19 है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने के कगार में है। अब हम लोग का भी ये जिम्मेदारी बनता है कि इसे जिस तरह से पालन किया गया, जो गाइडलाइंस बनाए गए हैं अब तक, जिस भी कंट्री को हो, जहाँ पर भी हो, उसे पालन करना चाहिए ताकि वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। वैक्सीन अगर लेने के लिए है तो वैक्सीन लीजिए, जहाँ पे भी प्रिकॉशनरी मेजर्स बोल रहा है पालन करने के लिए वो कीजिए, जैसा WHO ने भी बताया। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियोस में। थैंक यू वेरी मच।